मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुखातिब हूँ मैं किस मौजू को लेकर कि आप सबको मालूम है कि हांसी मॉडल शहर बनने की कवायद कर रहा है। कहीं पीपर चलाए जाते हैं तो कहीं रोशन किया जाता है हांसी को। वार्ड नंबर 4 की शुरुआत यहीं से होती है, ये ऐतिहासिक चौक है, इसे हम धौला कुमार चौक बोलते हैं। यहाँ आज रोशन हो रहा है ये चौक, और यहाँ बरसों से जो डिमांड थी लोगों की कि यहाँ अंधेरा रहता है, यहाँ वारदातें हो जाती हैं अंधेरे में, बुजुर्गों का और बच्चों का आना जाना या महिलाओं का आना जाना बड़ा बामुश्किल होता है, लेकिन रोशन होता हुआ ये चौक इस बात की मायने रखता है कि वार्ड नंबर 4 की शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ के पार्षद अजय सैनी, जिन्होंने बहुत कवायद की यहाँ की गंदगी को दूर करने के लिए, साथ में चेयरमैन के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने इस वार्ड की शुरुआत की है, वार्ड नंबर 4 से यहाँ रोशन होने के लिए। भावनाएं बह गई, चुप सारे ढह गई, अब अंधेरा ही रहेगा, रोशनी ये कह गई। ये वाक्य यहाँ बिल्कुल नहीं लागू होता, यहाँ रोशन होता हुआ जो अंधेरे में डूब जाता है, शाम का धुंधला रात में बदल जाता था और रात काली अंधियारी के रूप में आती थी और वारदात करने वाले दहशतमंद वारदात करने के लिए जाते थे। ऐसी जहन में बात आई, चेयरमैन के साथ कदम से कदम मिलाकर वार्ड नंबर 4 के पार्षद अजय सैनी ने सबसे पहले यहाँ गंदी खत्म की, तो फिर यहाँ रोशन करने के लिए लाइटें लगाई। तो मैं सबसे पहले मिस्टर सैनी, जो वार्ड नंबर 4 के पार्षद, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ से शुरुआत क्यों की? ये एक धौला कुआं जो एक ऐतिहासिक चौक है, यहाँ से आपको क्या लगा कि यहाँ रोशन क्यों होना चाहिए? बंसल जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, और तो इस वार्ड में यहाँ चौक के रहने सारे मेरे वार्ड के ही हैं सारे, तो इन्होंने सबसे पहले मेरे को कहा कि यहाँ गंद का बड़ा बुरा हाल है, तो एमसी बनते ही चेयरमैन साहब के संज्ञान ने मामला दिया भी ऐसे चेयरमैन साहब बड़ा बुरा हाल है यहाँ। चेयरमैन साहब ने तुरंत प्रभाव से पहले तो इसकी सफाई की व्यवस्था करवाई। आज पहले यहाँ से आदमी टप नहीं सकता था, आज इतनी सफाई है, यहाँ बैठे दिल करता आदमी का, यहाँ बुजुर्ग 24 घंटे बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि अंधेरा बड़ा रहता है यहाँ, उस शहर का मेन चौक हो गया और ऐतिहासिक चौक है जी, ये धौला कुआं के नाम से ऐतिहासिक चौक है जी। तो यहाँ काफी, ये लगा लो इस साइड से गांव का रास्ता जाता है, काफी गांव इस साइड जाते हैं जी जी। ये भी शहर के अंदर जाता है, ये भी शहर के अंदर जाता है। हाँ, तो बड़ी दिक्कत होती थी आने जाने में, रात को बड़ा अंधेरा होता था यहाँ। तो लोगों ने कहा कि यहाँ थोड़ा चांद रोशनी की व्यवस्था हो, तो चेयरमैन साहब को मैंने बताया सर ऐसे दिक्कत है यहाँ रहता 24 घंटे। तो प्रधान ने तुरंत संज्ञान लेते हुए यहाँ लाखों की लागत से बहुत बढ़िया लाइट लगाई है, और उसी के लिए आज हमारा जो प्रयास था लाइट के लिए वो सफल हुआ, और चेयरमैन खुद आए आज यहाँ उद्घाटन करने के लिए। तो इन के लिए लाइट के लिए और सफाई के लिए भी मैं मेरी तरफ से, मेरे वार्ड के सभी दोस्तों की तरफ से चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन साहब से, चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी जी से जानना चाहूँगा कि ये 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल है, ये 1.5 वर्ष में इतना काम करवा के पूरा कर लिया, कहीं पीपर चालू करवा रहे हैं, दूसरे कहीं तो रोशन करवा रहे हैं पूरे, तो क्या बात है, क्या इतनी गति आपने काम में दे दी है, इतनी ऊर्जा कहाँ से है? बंसल जी, पीछे हमारा 1.5 से 2.5 साल पार्षदों की आपसी मतभेद में चला गया, उसके बाद अब जब से हमारी स्टेट उठी है, उसके बाद हमने सभी पार्षदों ने सभी की एक ही मंशा थी कि शहर के अंदर विकास कार्य हो, और ये सारी मजबूती सभी पार्षदों ने मिलजुल कर दी है, और उस मजबूती के साथ हमने हमारे जो नगर परिषद के अधिकारी हैं सारे, अब उनके साथ मिलकर हमने शहर के अंदर विकास कार्यों की और लाइट व्यवस्था की, सफाई व्यवस्था की, हमने पूरा शहर के अंदर पूरी अपनी जितना वो कहते हैं ना, जितना जोर लगा के सभी पार्षदों ने वो करके और जनता के सहयोग से हमने इस कार्य में लग गए हैं। और हमारा एक ही धैर्य है कि हमारा पिछला 1.5 साल बकाया है अब, और हम चाहते हैं कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हों शहर के अंदर, ताकि आने वाले समय में लोग ये कहें कि शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो। कभी ये LED लाइट एक इशू बन गई थी शहर के लिए, कभी ये एक पॉइंट बन गया था एक, लेकिन आज जगमग होती हुई ये LED लाइट, ये रोशन करती हुई ये LED लाइट अपने आप में एक आयाम स्थापित कर रही है।
मैं जानना चाहूंगा बुजुर्गवाद से, क्या नाम है आपका? सदानंद। सदानंद जी, हाँ जी, तुम इतने दे रहने वाले हो? जी हां, गोलकोटी दे रहने वाले हो। आज लाइट लगी, एयर कंडीशन हो गया तो सही होगी भाई जी, सही होगी। की होगा लगता है कि क्यों जमा बढ़िया काम हो गया भाई, चेयरमैन साहब बढ़िया काम हो गया भाई जी, चेयरमैन साहब बढ़िया काम करते हैं भाई जी का धन्यवाद करो। काम जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र जी। रमेश चंद्र जी, आपके यहाँ आए हैं धोला को? मैं धोला को का निवासी हूं। हां जी, कैसा लग रहा है? हम तो मेंबर साहब का जी और प्रधान जी का सब करते हैं। प्रधान जी का क्या नाम है? आज सब आज बुजुर्ग आदमी कितने से बच्चे कितने, उनका फर्क। आपका शुभ नाम? मेरा नाम खैरती लाल है जी। यहाँ बहुत खुशी हो रही है आज के कार्य को देख के। हमें एक शिकायत है जी, गाँव में बहुत और ये तो सारे शहर में देखा हूँ, मुझे भी शिकायत है, डेथ हो गई है गाँव की वजह से। अच्छा, ये कृपा करके मेहरबानी ना, इसके लिए भी संज्ञान ले रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शक्ति बाटुआ सर। शक्ति बाटुआ, हाँ बहुत बढ़िया है। शक्ति जो हम कहते हैं कि हम इम्पावरमेंट, बिल्कुल। हाँ बताइए सर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे अजय सैनी जी का और प्रधान जी का, विनोद जी का, ठीक है जी। हमारे धोला कुएं पे LED लाइट लगवाई, इसके लिए हम धोला कुआ पर धोड़ी धोड़ी लाइट लगाई, बहुत ही आनंद आ गया सर, बहुत ही आनंद आ गया, दिल से आभारी है सर। आइए अंकल जी, आप बोलो। अंकल जी आप बोलो। हाँ जी बोलो जी, बोलो सारे मिलके बोलो। शर्मा जी क्या नारा बोलते थे आपको? फिर बजेंगे। सबसे ज्यादा गंद यहाँ होया करता, आज सबसे ज्यादा सफाई हासिल शहर में ही आई है। और मंदिर बनवाया तो इसने बनवाया, इसकी उससे सारे बढ़िया काम करवाए। आपका आशीर्वाद बना रहे, आशीर्वाद तो ऊपर वाला का जी, हम तो हाथ रखे ब्राह्मणों का। हाँ, लाइट का बटन स्विच होगा और ये जगमग होगा सारा, तो ये आपको दिख रहा है कि ये स्विच, और इसको अपने नगर परिषद प्रतिनिधि, चेयरमैन प्रतिनिधि और अजय सैनी जी दोनों अपने दस्ते मुबारक से इसको लाइट को ऑफ कर रहे ऊपर करो जी, रोशन हो तुम इसी दुनिया। मैं फिर विनोद सैनी जी से बात कर रहा हूँ, बताइए चेयरमैन प्रतिनिधि। पंचम जी, ये शहर के अंदर आज तो वार्ड नंबर 4 में अजय की बहुत पुरानी डिमांड थी और इसको हमने हाउस में पास किया हुआ था, और उसके बाद अब इस लाइट को हमने लगवा के कॉन्ट्रैक्टर से लगवा के, इस लाइट की कीमत 3,16,000 रुपए है, जो कॉन्ट्रैक्टर के पास इसका ठेका था, और आज उस कॉन्ट्रैक्टर ने इस लाइट को चालू कर दी है। और शहर के अंदर पार्षद की 2 से 3 लाइट की डिमांड थी, वो दूसरी और लाइट है इसकी, वो भी हम इसकी डिमांड जल्दी ही पूरी कर देंगे और इस वार्ड के अंदर जगमग कर देंगे। अब इस वार्ड के अंदर लाइट की मेरे हिसाब से तो कोई कमी है नहीं, और जो कोई बकाया बच गई वो भी उसको भी पूरी कर देंगे। मगर हमारा एक ही धैर्य है कि पूरे शहर के अंदर, पूरे शहर को अंधेरा मुक्त हासी बनाना है, और यही हमारे विधायक की भी मंशा है, और विधायक जी के आशीर्वाद से हम पूरे शहर हासी को, 1 से लेकर 27 वार्ड को और जितने भी मेन रोड आते हैं सभी को अंधेरा मुक्त करेंगे। सर एक बात और कहिए, जो यहाँ बुजुर्गों से निकल के आ रही है, यहाँ के वासियों से निकल के आ रही है, शहर को पशु मुक्त कब करोगे? इसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, और जल्दी ही हम करीब लगा लो 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ से पशु आपको नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। ये था धोला कुआं चौक, जहाँ वार्ड नंबर 4 की शुरुआत होती है। मेरे साथ अजय सैनी जी पार्षद खड़े हैं, इन्होंने अपने मुबारक हाथों से चेयरमैन प्रतिनिधि ने दोनों ने ही मिलकर यहाँ स्विच ऑन किया है और जगमग हो गई है। लाइट दिखाइएगा मेरे सहयोगी की, ये लाइट जगमग हो गई है और यहाँ रोशन होगा। दिन के उजाले में ही यहाँ ताश खेलते हैं लोग, बस यहाँ बिछा के अपने बोरी या कट्टा बिछा के, और अब रात के उजाले में भी, यानी कि रात के उजाला होगा, गर्मियों के दिनों में। तो मैं राजीव बंसल आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन एक बात से वादा भी आपसे लेता हूँ कि हम इसी तरह की बहुत विकास के कार्य आपको दिखाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन हाँसी के आवाज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ, और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। सर्दी का मौसम है, ओढ़ के रखिएगा, ढोका ओढ़ के रखिएगा।